गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग हाउ इज एवरीबडी क्या हाल चाल है क्या हाल चाल सब लोग कैसे हो कैसे हैं सब लोग बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया ओके okay. ठीक है बच्चों तो आज हम लोग करेंगे कल हमने करा था कल हमने पढ़ा था अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एलगे एलगे के जनरल कैरेक्टर्स करे थे कल जरा देखें क्या करा था कल तुमने यहाँ पे मिल जाएगा है ना ये सब ये सब हमने जनरल कैरेक्टर्स करे थे बच्चों वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा था हमने आइस ओ गेमी एन आइस गेमी ऊ गेमी क्या होता है ये सब पढ़ा था वी ऑल्सो लर्न अबाउट द येस यूनिसेलुलर होते हैं कॉलोनी फॉर्म में होते हैं फिलामेंटस हो सकते हैं ये सब हमने कल करा था वी ऑल्सो लर्न अबाउट द बच्चों वेरियस यू नो क्लासिफिकेशन सिस्टम ये देखो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी हमने करे थे हमने प्लांट किंगडम को डिवाइड भी करा था सब किंगडम्स में राइट वी डिड ऑल दैट येस टूडे वी डिड ऑल दैट आज हम शुरू करेंगे एंड आज का लेक्चर होगा बच्चों नेवर बिफोर आपने एल्गे का जो क्लासिफिकेशन है इस तरह से नहीं पढ़ा होगा आज तुम्हें मैं गारंटी दे रही हूँ आज जो हम करने वाले हैं वी आर गोइंग टू लर्न एल्गे तुम एलगे आज यही याद करके जाने वाले हो ठीक है आज तुम एलगे इधर ही याद करके जाने वाले हो और कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो बच्चों सबको बुला लो आज का जो सेशन है ना दैट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग ठीक है कुछ अलग ही सेक्शन कुछ अलग ही लेवल पे जाने वाला है जो बच्चों ने नया ज्वाइन करा है बच्चों आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह एंड मैंने पीएचडी करा है बायोलॉजी uh, में मतलब फंगस में और मैंने एमएससी करा है बच्चों बॉटनी में मैं छः साल से पढ़ा रही हूँ आप जैसे स्टूडेंट को हेल्प कर रही हूँ मेनटोन कर रही गाइड कर रही हूँ उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाने के लिए एंड अब पूरी मेहनत के साथ शिद्दत के साथ बच्चों तुम्हारे साथ भी काम करना है एंड बच्चों आई हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड थ्री न्यू स्पीशीज़ ऑफ मंगाई दस रिसर्च पेपर भी लिख डाले हैं अगर आपको अपने नीट के प्रपरेशन में चार चांद लगाने हैं तो बच्चों ये जो टेलीग्राम का चैनल है ये ज़रूर ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे सारे सेशंस का अपडेट होता है जिस बच्चे को लगता है ना कि आ, मुझे अपने प्रेपरेशन को थोड़ा सा और बूस्ट करना है थोड़ा सा और मजबूत करना है बच्चों मेरे साथ प्लस पे आ पढ़ सकते हैं प्लस पे आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं आपको स्पेशल डाउट सेशंस मिलते हैं जैसे आ, मैं अभी प्लस पे जो मेरा कोर्स चल रहा है उसमें बच्चों एक बैच में मैं प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ जिसमें मैंने आज रेस्पिरेशन ख़त्म करा तो हमने यू uh, नो you know, एक घंटे तक हमने उसके डाउट्स लिए मैंने उनके लिए स्पेशल डाउट सेशन रखा था जहाँ पे एक घंटे तक मैंने उनके डाउट्स लिए एंड डाउट सेशन में आप मुझसे बात भी कर सकते हो अगर आपको लगता है ना कि आप फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो कि मैम ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो तो हमने आराम से एक घंटे बच्चों डाउट सेशन लिया वो प्लस पे ही पॉसिबल है आइकॉनिक वो बच्चा लेगा बच्चों जिसको लगता है कि मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए वन ऑन वन मेंटॉनशिप चाहिए मुझे डाउट सॉल्विंग भी पर्सनल ही चाहिए स्टडी प्लानर भी चाहिए मुझे नोट्स भी चाहिए टेस्ट का एनालिसिस भी हो जाए वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेगा बच्चों एंड चाहे आप ले प्लस या आइकॉनिक कोड आप लगाएंगे गार्गी जब आप गार्गी कोड लगाते हैं बच्चों आपको 10 परसेंट का ऑफ मिलता है साथ ही साथ मेरा गाइडेंस मेरा मेंटोरशिप मिलता है बच्चों एंड दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी ऑफ वो कुछ भी ऑफ हो उससे कंपेयर नहीं कर सकते चलो बच्चों एंड अब एक नया ऑफर चल रहा है जिसमें आपको छः महीने पे एक महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अठारह पे दो और चौबीस पे तीन का कोड आपको पता है गार्गी लगाएंगे तो दस परसेंट और ऑफ मिल जाएगा और बच्चों अब छः महीने के सब्सक्रिप्शन पे भी आपको पूरे नोट्स मिलेंगे आपके घर तक नोट नोट्स पहुंचेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पहले एक साल पे मिलते थे बच्चों पहले एक साल पे मिलते थे ये कुछ बैच चल रहे हैं हमारे नीट के लिए एंड दिस इज इंपॉर्टेंट आपको पता है शायद बहुत सारे बच्चों को पता हो कि मैंने आ, बायो का पी वाई क्यू का सीरीज शुरू करा हुआ है एंड बच्चो दिस इज दिस वीक स्केड्यूल ये इस वीक का स्केड्यूल है एक टेस्ट हमारा कल हो चुका है तो इस स्केड्यूल को सब लोग जरा क्लिक कर लो ठीक है मैं इधर हो जाती हूँ इसको जरा क्लिक कर लो दिस इज योर स्केड्यूल बच्चो दिस इज योर स्केड्यूल ओके मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ अच्छा मैं साइड में हो नहीं पा रही हूं इधर हो जाती हूँ इधर हो जाती राइट right? तो देख लो इलेवेंथ ट्वेल्थीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन को दो टेस्ट होंगे बच्चों दिस इज योर स्केड्यूल इसको आप क्लिक कर लो और इसके बेसिस पे अपनी तैयारी शुरू कर लो ये पूरे हफ्ते का ये अपना स्केड्यूल है राइट बच्चों ओके तो पूरे हफ्ते का दे दिया है अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे ज्वाइन करना है इस फ्री सीरीज को बच्चो तो आपको जो चैट बॉक्स है ना जहां पे तुम बहुत बार, बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हो ठीक है बहुत सारी इधर उधर की जहां बातें करते हो वहीं पर उधर उसके ऊपर ही एक उसको बस क्लिक करना है और सारे दिख जाएंगे बस वहां पे लिखा होगा एनरोल और एनरोल कराना है और साढ़े बजे पहुंच जाना है हर रोज साढ़े सात बजे संडे को दो टेस्ट होंगे तो इसलिए दो टाइमिंग्स आपको दिख रहे हैं ठीक है संडे को मैं हमेशा दो टेस्ट लेने वाली हूँ बच्चों ये आप जितने और बच्चों के साथ शेयर कर सो कर दो क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प देम ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है आपकी कोई फ्रेंड है जिसको अरे यार ये भी सेवन थर्टी है हाँ दिस इज ऑल्सो सेवन थर्टी बच्चों दिस इज ऑल्सो सेवन थर्टी पी एम ये यहाँ पे मिस हो गया आ, ये यहाँ पे ज्यादा आ गया है ना <laughs> तो बेसिकली सेवन थर्टी पी एम होगा हमारा टेस्ट तो आज क्या हो रहा है आज हम लेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कल होगा बच्चों इवोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करके रोज़ सेवन थर्टी पहुँच जाना है एनरोल कैसे कराना है वो तुम्हें पता चल गया चलो आप शुरू करें आप जरा सेशन को शुरू करते हैं और कहा रह गए तुम लोग हाँ बाकी लोग कहाँ रह गए हाँ जी।, जी हाँ मैम क्या खा रही हो अरे मैं कुछ नहीं खा रही हूं मैंने थोड़ी सी मूंगफली खाई थी <laughs> मैंने थोड़ी सी मूंगफली जरूर खाई थी शिवानी आप जब ऐप डाउनलोड करोगे ना तो आपको सारे जो फीस है वो दिख जाएगी ये दे देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ दिस इज़ द फीस प्लस के लिए बच्चों शिवानी मुझसे पूछ रही है मेरे को एक दो बच्चों के मैसेज दिखे हैं प्लस के लिए बच्चों यू हैव टू अगर आपको एक साल का लेना है सब्सक्रिप्शन तो इट इज़ अराउंड आई थिंक थर्टी फोर थर्टी फाइव थाउजेंड है ठीक है अगर आपको आई आएक, आइकॉनिक लेना है एक साल का तो बच्चों इट इज़ 58,000 जिसमें आपको सब कुछ मिलता है आइकॉनिक में सो so, यस yes. और आपको देखने छह महीने का कितना पड़ेगा ठीक है दो साल का कितना पड़ेगा तो आप ऐप पे जाके जरूर चेक कर सकते हैं यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप ओके बच्चों चलो आगे बड़े बड़े जरा गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग थोड़ा ऑनलाइन भी शेयर करो <laughs> मैं बिल्कुल रेगुलर रहूंगी अब तुम्हें तो ऐसा क्यों लगता है यार मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं रेगुलर बीच में पाँच छः दिन गायब हो गई थी अब मैं रिकवर कर रही हूँ आई एम ओके नाउ ठीक है चलो तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से शुरू करते हैं आई होप सब लोग अपनी एनसीआर लेके बैठे हैं सब लोग अपनी एन लेके बैठे हैं बच्चों ओके दिस इज द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ये पेन जरा मोटा हो गया है ना इसको पतला करते हैं दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलगे वेरी इंपॉर्टेंट कहां कहां से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे यहीं पे बता दूंगी तुम्हें तो एलगे आर यूजफुल टू मे टू सॉरी टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज ओके कैसे कैसे एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ऑन अर्थ इज कैरिड बाय एलगे दिस इज इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आप हाईलाइट करने वाले हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्यों जरूरी है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है तो तुम्हें याद रखना है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीओ जो फिक्स हो रहा है अर्थ के ऊपर वो कौन कर रहा है एलगे क्योंकि एलगे इक्वेटिक है तुम्हारे अर्थ के ऊपर पानी ज्यादा है लैंड कम है लेकिन देखो फिर भी हाफ ही कर पा रहा है अरे हाफ टेरिस्ट्रियल कर रहे हैं ठीक है बच्चों सेवेंटी ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर स्टिल एलगे हाफ ही कर पाता है क्यों क्योंकि जो आपके लैंड प्लांट है दे आर मोर 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 एफिशियंट राइट ओके चलो तो पानी में तो भाई CO2 फिक्सेशन का काम एलगे का ज्यादा है, ओके, okay. अच्छा फोटोसिंथेसिस करते हैं तो पक्का जो ऑक्सीजन है ये करा रहे हैं इन वाटर, इन यू नो इकोसिस्टम्स बोल सकती हूँ या एनवायरमेंट राइट बच्चों तो उधर कौन डिजोल्व करा रहे हैं ऑक्सीजन यस, एल्गे होंगे अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या करा जो एल्गे हैं ठीक है जैसे आ, मैं कल बात कर रही थी वो मैसिव जो एलगे होते हैं बड़े बड़े एलगे जो होते हैं जो मतलब शिप के जो स्पीड है उसको भी बच्चों स्लो कर देते हैं हम हम लोग तो भाई हमने क्या करा एलगे से भी अपना फ़ायदा निकाल लिया कैसे सबसे पहली चीज़ कुछ स्पीशीज जैसे कि पॉर्फायरा विच इज़ अ रेड एल्गा ठीक है लेमिनेरिया सार्गेसम विचार ब्राउन एल्गा इनको हम खा जाते हैं दे आर यूज एज फूड इनको हम खा सकते हैं दे आर यूज एज फूड इंपॉर्टेंट है इसको याद कैसे रखेंगे मैंने कैसे याद रखा था मैंने याद रखा था बच्चों और जो मेरे प्लस वाले स्टूडेंट हैं उनको तो बड़े अच्छे से याद हो गए क्योंकि ये चैप्टर में वहाँ करा, करा चुकी करा चुकी हूँ पोला सा ठीक है पोलासा को खा जाओ पुलासा को तुम खा जाओ ठीक है तो मैंने ऐसे याद रखा था पोर्फाइरा लेमिनेरिया एंड सार्गेसम पोलासा बच्चों पोलासा को तुम खा जाओगे ठीक है जी पुलासा को तुम खा जाओगे <laughs> राइट याद रहेगा याद रहेगा तुम किसको खा सकते हो पुलासा को तुम खा सकते हो ओके पुलासा कुछ और ही साउंड करता है ना ऐसा साउंड करता है जैसे किसी स्टार का नाम रखा हुआ मेरे दिमाग में तो ये यही स्टार साउंड करता है जैसे किसी स्टार का नाम रख दिए हो पुलासा चलो नेक्स्ट आ जाओ सर्च एंड मेरीन एलगे जैसे कि ब्राउन एंड रेड एलगे दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स अब हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं पहले तुम समझ लो हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं बच्चों हाइड्रोकोलाइड्स आर हाइड्रोकोलाइड्स आर बेसिकली वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं अब लेकिन इसका मतलब क्या हुआ मैम वोटर ये तो मतलब लैंग्वेज uh, वहाँ लिखा हुआ है आप हमें समझाओ कि ये क्या होता है देखो बच्चो दीज आर बेसिकली मैं यहाँ पे बना देती हूँ मान लो ये है मेरा एलगा ठीक है दिस इज माई एल्गा राइट पानी के अंदर है ये लो ये ऐसे ऐसे पानी के अंदर तुम्हारा एल्गा अब एल्गे का स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए पानी से उसने क्या करा उसने सेल वॉल में ये हाइड्रोकोलाइड्स बनाने शुरू कर दिए ये जो पिंक चीज मैंने बनाई है ना मान लो ये है हाइड्रोकोलाइड ओके okay? तो जब पानी इसके साथ कांटेक्ट में आता है बच्चों वेन वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दीज हाइड्रोकोलाइड ये लो ये पानी है ये पानी पानी हो गई है लेकिन हमें इसको पानी पानी नहीं करना बच्चों पानी पानी नहीं करना पानी पानी होने से बचाना है इसलिए इसने क्या बनाया इसने बना लिया हाइड्रोकोलाइड्स अपने सेल वॉल में बच्चों इसने क्या बनाया हाइड्रोकोलाइड क्यों इसने पता है इसका क्या फ़ायदा होता है जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं दे मेक अ जेल लाइक सब्सटेंस और पानी एल्गे के स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर पाता क्योंकि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सो द वॉटर इज नॉट एबल टू एंटर और इट इज नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ योर एलगे दैट हैज स्पेंड इट्स होल लाइफ इन वाटर बच्चों कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अब इसको तो बेसिकली क्या है हाइड्रोकोलाइज वॉटर होल्ड दी सब्सटेंस एंड वट दे डू इज दे प्रोटेक्ट द एलगे डोंट लेट दॉटर डिस्ट्रॉय द्रक्चर ऑफ एलगे इज इजिंग क्लियर टू एवरीबडी रेज योर हैंड्स बच्चो रेज योर हैंड्स अगर ये बात सबको क्लियर हुई हाइड्रोकोलाइट का क्या फंक्शन होता है अगर आज समझ में आया कि हाइड्रोकोलाइट क्या करते हैं दे बेसिकली आर प्रोटेक्टिंग द एलगे फ्रॉम फ्रॉम वॉटर प्रोटेक्शन का काम है बच्चों प्रोटेक्शन ठीक है प्रोटेक्शन का काम है इनका पानी से बचाना प्रोटेक्शन फ्रॉम वो क्योंकि पानी तो किसी के भी स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है बच्चों पानी में मैंने कोई लीफ फेंक दिया चार दिन के बाद देखना गल जाएगा सड़ जाएगा खराब हो जाएगा लेकिन एल्गे जिसको पूरा का पूरा अपना जीवन पानी में बिताना पड़ता है बच्चों उसको भी तो मुझे बचाना पड़ेगा और कैसे बचाऊंगी मैंने हाइड्रोकोलाइट बनाने शुरू कर दिए लेकिन इंसान भी महान है बच्चों इंसान भी महान है इंसान ने सोचा कि इस हाइड्रोकोलाइट का मैं कैसे यूज करूँ हाँ एल्गे ने तो बनाया अपनी प्रोटेक्शन के लिए बट इस हाइड्रोकोलाइट का मैं कैसे यूज करूँ तो हमने क्या करा बच्चों हम तो हैं सेल्फिश, हम तो हर जगह पहुंच जाते हैं जी इसका क्या फायदा होगा इसका क्या फायदा होगा बायो प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं हम ठीक है कि भाई इस चीज़ का क्या वह इस वाले प्लांट से ये ले लेते हैं इस वाले प्लांट से ये ले लेते हैं इस एनिमल से ये मिल जाएगा हमने तो बच्चों हाइड्रोकोलाइड्स को भी नहीं छोड़ा तो कुछ एल्गे हैं जो बनाते हैं हाइड्रोकोलाइड्स एंड हाइड्रोकोलाइड्स के एग्जांपल आर एल्जिन एंड बच्चों कैरोजिन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब तुम कैसे याद रखोगे तुमसे पूछ लिया जाता है कि एल्जिन ब्राउन है या रेड है कैरोजिन रेड है या ब्राउन है उसमें मिलता है तो सिंपल सा मेरा जो मेरा जो मतलब ट्रिक है याद रखने का वो ये है कि कैरोजिन में ओहो ये मैं कहाँ पहुंच गई कि कैरोजीन में आता है आर बच्चों तो ये हो गया रेड एल्गे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है कैरोजीन में आता है आर तो ये हो गया रेड एल्गे के पास एलजिन बच्चों इसमें मतलब जो दूसरे वाला है वो ब्राउन हो गया अब मतलब और क्या बोलूं ठीक <laughs> है तो जीन में आता है आर दैट इज वाई इट बिलोंग्स टू रेड एलगे एल्जिन ब्राउन एलगे में आ गया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टार लगा लेना इसको है ना ये है हमारा स्टार वाला क्वेश्चन इस पैराग्राफ में एंड आई रियली होप हाइड्रोकोलाइट सबको समझ में आ गया हो तो एलजिन एंड कैराजिन आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकोलाइट अच्छा हमने क्या करा इनको निकाल के हमने क्रीम्स बना लिए बच्चों हमने जेलीज बना लिए हमने इसको आइसक्रीम्स वगैरह में यूज कर लिया फेस क्रीम्स वगैरह में यूज कर लिया हम इंसान है हम तो किसी भी चीज को यूज कर लेते हैं ठीक है हम तो है ही ऐसे हम तो है ही ऐसे है ना बच्चों है ना बच्चों एल्जिन ब्राउन मुंडे हे भगवान ये गाना मैंने कभी सुना नहीं है वैसे ये गाना मैंने कभी नहीं सुना हाँ ठीक है चलो अब आगे चले अब आगे चले आगे बढ़े बच्चों यस हाँ हाँ मशरूम एल्गे नहीं है यार मशरूम तो फंगस है मशरूम इज नॉट एल चलो अब आगे देखो आगे भी हमने कोई धूम मचाई हुई है आगे भी कुछ ऐसे एल्गे हैं जिनसे हमने आ, कुछ और प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं जैसे कि बच्चों जलीडियम एंड ग्रेसीलेरिया ठीक है जलीडियम दोनों का नाम जी से है एंड ये क्या बनाते हैं अगार ठीक है अगार बनाते हैं बच्चों अगार किस लिए यूज करते हैं हम अगार हम यूज करते हैं इन अगार इज यूज एज अ बेस इन आर्टिफिशियल मीडियम ये बेस की तरह यूज होता है याद रखो न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता बेस यूज एज अ बेस यूज एज बेस इन टिश्यू कल्चर ठीक है टिशू कल्चर लिख देती हूँ टिशू कल्चर ठीक है जो हम आर्टिफिशियल मीडियम बनाते ना उसका कोई बेस होना चाहिए ऐसे हवा में थोड़ा लटकना चाहिए तो इट प्रोवाइड द बेस ठीक है एक तरह से जहाँ पे आपका प्लांट या टिशू ग्रो होगा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता बच्चों ये याद रखना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में एक गलत फहमी होती है कि अगौर से न्यूट्रिशन मिलता है नहीं इट इज द बेस ठीक है कोई सॉलिड बेस चाहिए ना वैसे दिस इज सेमी सॉलिड जिसके ऊपर टिश्यू ग्रो करेगा ओके okay, दूसरी चीज अगर क्योंकि जेल के जैसा होता है तो इसको मैं जेलीज बनाने में आइसक्रीम बनाने में यूज कर सकती हूँ है ना हमने तो भाई सारे प्रोडक्ट को ऐसे ही यूज कर लिया है यहां पे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा जेलीडियम एंड ग्रासी एरिया अगार किससे मिलता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी हम लगा लेंगे स्टार किससे मिलता है जिलेडियम एंड ग्रासी लेरिया विच आर रेड एलगे लिख लो यहां पे विच आर दीज टू आर रेड एलगे रेड एलगे दीज टू आर रेड एलगे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग योर वे बच्चो इज क्लोरेला को हम यूज करते हैं एज सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट एंड क्योंकि एक बात बताओ एक बात बताओ ये जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं ठीक है ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं इनको जाना होता है इतने मतलब ये जब चले जाते हैं वही बच्चों अपने एक्सपीडिशन पे जाते हैं कोई रिसर्च करने जाते हैं किसी प्लानट पर जा रहे हैं या मून पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं ठीक है कुछ भी हो रहा है तो ये चले जाते हैं बच्चों एक एक दो दो तीन तीन साल तक जाते हैं राइट क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस होता है तो इतना टाइम तो लग ही जाता है अब बच्चों उसमें तुम्हारा जो स्पेसशिप है उसमें अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे को ये डिनर में ये वाली थाली चाहिए मुझे लंच में ये वाली थाली चाहिए ब्रेकफास्ट में ये वाली थाली चाहिए थालियाँ से जाके तो नहीं दे सकते ठीक है फिर तो तुम्हारा जो स्पेसशिप है वो तो डिनर प्लेट और ब्रेकफास्ट प्लेट और लंच प्लेट से भर जाएगा राइट क्योंकि वहाँ पे वो रिसर्च करने जा रहे हैं मस्ती करने तो नहीं जा रहे ठीक है खाना खाने नहीं जा रहे हैं अपनी जीभ को स्वाद देने नहीं जा रहे हैं वहाँ पे राइट right? तो उसके लिए हमने क्या करा बच्चों उसके लिए हमने इस तरह के यू नो चीज़ें ऑल्टरनेट ढूंढे कि जो थोड़ी सी जगह में आ जाएँ और मेरे बॉडी को वो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कर दें एंड क्लोरेला इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट ठीक है बच्चों क्लोरेला इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट तो ये भी हो गया मेरा स्टार वाला क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्पिरुलिना भी आता है बच्चों बट नॉट अ पार्ट ऑफ एलगे ऑफ एलगे ठीक है वो एलगे का पार्ट नहीं है इसलिए मैं यहां नहीं लिख रही हाँ बच्चों जेनेटिक्स में जो अगार आता है ना जेल वगैरह वो यही है यहीं से मिलता है यहीं से मिलता है इधर से ही मिलता है वो एगर जेल सीवीड जो वहां लिखा होता है ना वो यही है दैट इज द सेम थिंग बच्चों दैट इज द सेम थिंग राइट दैट इज द सेम थिंग ओके वो सेम बात है सेम बात है बच्चों राइट ओके स्पिरुलिना भी होता है बच्चों स्पिरुलिना भी होता है इट इज आल्सो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एल इट इज अ इट इज अ साइनोबैक्टीरिया वो एक साइनो बैक्टीरिया होता है तो ये गड़बड़ नहीं करना तो ये गड़बड़ नहीं करने का है यहां मैं इसलिए स्पिरुलिना अच्छा चलो अगर मैं यहां पे स्पिरुलिना लिख दू ना तो इसके साथ आप लिखोगे साइनोबैक्टीरिया लिखो लिखो यहां पे अगर मैं लिख दू प्रोटीन रिच क्या है स्पिरुलिना भी है लेकिन वो क्या है साइनोबैक्टीरिया बच्चों वो क्या है वो है साइनोबैक्टीरिया ये बात लिख लेना गलत हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है लिख रही हूं मैं यहां पे, बट आई एम ऑल्सो राइटिंग दैट दिस इज अ ब्लू ग्रीन एलगे या फिर साइनो बैक्टीरिया दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलगे बच्चों दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलगे इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी बताओ मुझे क्या ये सबको क्लियर है क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है यस क्लोरेला इज यूनिसेलुलर वेरी गुड वेरी गुड बच्चों इट इज यूनिसेलुलर यस यू आर एब्सोल्युटली राइट ठीक है यस इट इज यस बच्चों ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी तक समझ में जा रहा है चीजें दिमाग में जा रही हैं जो जो लिखना है साइड में लिख भी लो ठीक है साइड में लिख भी लो ओके बच्चों सो दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलगे और हर आ, जो पॉइंट था उससे मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं नाउ वी कैन मूव ऑन टू द मेन क्लासेस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलगे एंड बच्चों आज तु, तुम तुम्हें ऐसा क्लासिफिकेशन कराने वाली हूं ना ठीक है <coughs> आज तुम्हें ऐसा क्लासिफिकेशन कराने वाली हूं कि तुम आज के बाद नहीं भूलोगे आज के बाद तुम एल्गे के कैरेक्टर नहीं भूलोगे अब सब लोग तैयार हो जाओ अब सब लोग तैयार हो जाओ अपनी नोटबुक का जो बीच वाला पेज होता है ना बच्चों बीच वाला पेज वो खोल लीजिए समथिंग लाइक दिस ऐसे ऐसे जो आपका नोटबुक का पेज है ना ये वाला जो पेज होता है इस तरीके से जो पेज है ये वाला ये वाला पेज लेंगे सब ठीक है और यहां पे हम कुछ आज तूफानी मचाने वाले चलो एवरीबडी रेडी एवरीबडी रेडी रेडी बच्चों रेडी अरे यार थोड़ा थम्स अप तो दे दो यस मैम रेडी बिल्कुल जोश में एकदम आज बच्चों अलग तरीके से तुम्हें क्लासिफिकेशन सिखाया जाएगा आर यू रेडी बच्चों आर यू रेडी ये स्पिरुलिना इज ऑल्सो अ फूड सप्लीमेंट बच्चों ठीक है ओके रेडी आई स्टार्ट आई स्टार्ट शैलाटार्ट स्टार्ट बच्चों यस चलो फटाफट से तो वी आर गोइंग टू मेक द अल्टीमेट एलगे का टेबल इसके बाद तुम्हें एन टी भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं ठीक है इसके बाद तुम्हें एनसीआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फटाफट से बच्चों इस तरह से कॉलम बना लो मैं साइड में हो जाती हूँ फटाफट से इस तरह से कॉलम बना लो फटाफट से सब लोग कॉलम बना लो आ, मैं मूव कर दिया है इस तरफ हो गई हूं यस yes, बच्चों डन 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 जल्दी 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 आई एम वेटिंग हेयर आई एम वेटिंग हेयर आई एम वेटिंग हेयर बच्चों और आज मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें ना ये यहीं पे अलगे याद करा के जाने वाली हूँ इधर ही इसी सेशन में इसी सेशन में ओके okay? चलो फटाफट से फटाफट बच्चों डन आर यू गाइज डन आर यू गाइज डन ओके चलो ठीक है बच्चों, नो दिस इज नॉट वन दैट इज गिवन इन एनसीआर अगर आपको ये लग रहा है ना कि एनसीआर में दिया है ये वो वाला नहीं है बच्चो ठीक है ये वो वाला नहीं है ये मैंने खुद <laughs> मैंने छाप लिया ये लो। चलो ये चार्ट बिल्कुल वॉल पे लगा लेना बच्चों। चलो वी आर स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग नाउ तो आप लोगों ने अगर मैंने सारे कैरेक्टर अभी यहाँ पे लिखे नहीं हुए हैं देख रहे हो तुम बीच में खाली जगह भी छोड़ी हुई है ये देखो ये देखो ताकि तुम ये जो स्क्रीन लेते हो ना ये वाली गड़बड़ ना कर पाओ थोड़ा बहुत काम भी करो चलो बच्चो सो so, एक कॉलम में मैंने लिख दिए हैं कैरेक्टर एक कॉलम में मैंने लिख दिए हैं एलगे तो पहले हम लोग क्लोरोफाइसी से शुरू करने वाले हैं विच इज नोन एज द ग्रीन एल्गे लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, इफ़ दे आस्क यू द क्वेश्चन की ये जो एलगे का क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है तो तुम लिखोगे इट इज बेस्ड ऑन पिगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इट इज बेस्ड ऑन स्टोर फूड मटेरियल एंड सेल वॉल मतलब ये जो तीन कैरेक्टर है बच्चों ये सबसे जरूरी है जिसके ऊपर हमने एल्गे का क्लासिफिकेशन करा है ठीक है चलो बाद में ले लेंगे दोबारा स्क्रीनशॉट अरे आलसी हो अरे आलसी लोगो वैसे तो मैं ये तुम्हें दे भी दूंगी ठीक है बट अगर साथ साथ में बना लोगे ना तो अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा ये देख लो यहाँ पे अर्पिता को देखो बोलिए मैम बाद में ले लेंगे दोबारा से अवे, अवे अवे चलो चलो हाँ काम थोड़ा सा काम कर लो ऐसे वो मत बनो सुस्त मत बनो थोड़ा काम कर लो चलो बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ सबसे पहले हैबिटेट लिख लेंगे तीनों का ठीक है तीनों का हैबिटेट लिख लेंगे एलगे जो आपके ग्रीन होते हैं मोस्टली बच्चों होते हैं फ्रेश वाटर में ग्रीन कलर है ठीक है ऐसे सोच लो ग्रीन कलर है बड़ा अच्छे से लश ग्रीन कोई चीज़ कैसे होगी जब फ्रेश ताज़ा उसको पानी मिलेगा ऐसे सोच लो ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे दोनों मिलते हैं बच्चों मरीन में मोस्टली मरीन होते हैं ब्राउन एंड रेड आर मोस्टली मरीन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लोरोफिल ठीक है तुम देख रहे हो मैंने क्लोरोफिल को अलग लिखा है एंड अदर पिगमेंट्स को अलग लिखा है क्योंकि क्लोरोफिल इज इज द द मेन मेन पिगमेंट पिगमेंट दिस बच्चों क्लोरोफिल आपका मेन पिगमेंट होता है और ये क्या होते हैं एक्सेसरी होते हैं अगर तुमने थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया हो अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी अबाउट फोटोसिंथेसिस तो तुम्हें पता होगा कि क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट यहां मैं लिख देती हूं दिस इज द मेन पिगमेंट मेन पिगमेंट राइट बच्चो अब एक फैक्ट है कि जो प्लांट्स है उन सब प्लांट्स में क्लोरोफिल ए तो पक्का ही होगा तो मैं यहां ए लिख देती हूं सब में ए ए सबके पास होता है ठीक है बच्चों विदाउट एक्सेप्शन प्लांट्स में ए सबके पास होगा राइट 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 ओके अच्छा चलो ए आ गया अब ए के साथ यहां बी होगा बच्चों यहां सी होगा और यहां डी होगा ए सबके पास है फिर उसके बाद बी सी डी खत्म इज दिस इजी बताओ क्या ये मुश्किल था और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ले लो सुन लो जरा तुम बात इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुम समझ लो जरा कितना इजी है ये दिस इज सो डैम इजी दिस इज सो डैम इजी बच्चो दिस इज नॉट फेयर आई कैन सी टू सिक्सटी स्टूडेंट वॉचिंग द सेशन एंड नंबर ऑफ लाइक्स देखो नंबर ऑफ लाइक्स देखो दैट्स नॉट फेयर दैट इज नॉट फेयर ठीक है, ऑल फेयर बच्चों ऑल फेयर ये गलत बात है ये गलत बात है मैं तुम्हारे इतने मेहनत करके पूरा टेबल वेबल बना के लाई हूँ कि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए एंड तुम ऐसा करते हो ठीक है भाई हमारे काम की तो कोई कदर ही नहीं है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों मुझे गंदा तो लग रहा है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें तुम्हें कदर नहीं है अगर मेरे काम की तो क्या करूँ मैं <laughs> चलो बाकी पिगमेंट्स में आते हैं एक बात तुम ये भी ध्यान रखो कि चाहे कोई भी प्लांट हो बच्चों उसके पास बीटा कैरेटिन एंड जेंथोफिल जरूर होंगे बीटा कैरेटिन एंड जेंथोफिल दे आर पार्ट ऑफ कैरेटिन अगर तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट और दूसरा होता है कैरेटिनॉइड्स कैरेटिनॉइड्स को हम दो में डिवाइड करते हैं बच्चों बीटा कैरेटीन एंड जेंथोफिल तो ये भी सब प्लांट्स के पास होंगे तो तुम देख रहे हो मैंने बीटा कैरेटिन एंड जेंथोफिल यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पर भी होगा जेंथोफिल भी होगा यहाँ पे तो बीटा कैरेटिन एंड जेंथोफिल विदाउट एनी एक्सेप्शन हर प्लांट के पास होता है ठीक है तो इसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सेप्शन बच्चों इन समथिंग यूनिक क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो यूनिक चीजों से ही बनता है तो फी ओफाइसी में क्या होगा फी ओफाइसी का साउंड कैसे लगता है फी ऐसा लगता है पीएच नहीं लगता फी फ लगता है फ तो क्या आ जाएगा बच्चों फ्यूकोजेंथिन आ गया यहां पर यहां पर क्या आ गया फ्यूकोजेंथिन रोडो फाइसी रेड रेड एल गे तो यहां पे आते हैं दो तरह के अच्छा एक तुम्हारा ना एक और मिथ में आज तोड़ने वाली हूं ठीक है एक और मिथ तुम्हारा तोड़ने वाली हूं कि रेड एल्गी सारे रेड होते हैं तुम्हें पता है रेड एलगे ब्लू भी होते हैं डू यू नो दैट दैट रेड एलगे आर ऑल्सो ब्लू इन कलर जो ब्लू होते हैं बच्चों उनके पास होता है फाइकोसाइन और जो रेड होते हैं उनके पास होता है फाइको राइट बच्चों और ये क्यों होता है जो एलगे बिल्कुल नीचे 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 होते हैं रेड एलगे नीचे 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 बिल्कुल मिलेंगे आपको ओशन के वो होते हैं बच्चों ज्यादातर रेड और जो ऊपर मिलते हैं थोड़े बहुत ऊपर मिलते हैं दे आर मोस्टली ब्लूइश इन कलर जैसे कि बिट्रैकोसरम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस आई नो लेकिन पता होने में क्या है बच्चों पता होने में क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होता है तो थोड़ा यू कैन फ्लेक्स योर नॉलेज ना तुम बता सकते हो अपने दोस्तों को कि अरे तेरे को पता है सारे रेड एल्गी रेड नहीं होते कुछ ब्लू भी होते हैं और कौन से होते हैं ब्लू जिसमें होता है फाइकोसाइनिन कौन से होते हैं रेड जिसमें होता है फाइको राइट बच्चों ठीक है कैसा था ये फैक्ट कैसा था ये फैक्ट अच्छा मैं साइड हो जाऊं ये लो हां जी हां जी बताओ गे, हो गई हो गई साइड हो गई साइड हो गई साइड हो गई <laughs> साइड हो गई बच्चे मैं एकदम साइड हो गई हूँ ओके okay. मस्त था अच्छा था इफेक्ट ओके okay. किसको बताएंगे सब कॉमर्स में ऐसे ही बता देना इसमें क्या है बोल देना यस सना यू आर राइट यू आर राइट सना यू आर एब्सोल्युटली राइट कॉमर्स वालों को बोल देना कि तुझे पता है एक चीज़ होती है रेड एंड और ना वो सारी रेड नहीं होती इसमें क्या है भाई अपने नॉलेज को फ्लेक्स तो हम कहीं भी कर सकते हैं ये क्या बात हुई <laughs> कॉमर्स वाले को भी बताओ मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को भी बताओ सबको बताओ ठीक है चलो स्टोर फूड मटेरियल पे आ जाते हैं आप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एब्सल्यूटली इंपॉर्टेंट बच्चों बहुत 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 जरूरी है ये वाला पार्ट भी है ना तो चलो ग्रीन एल्गी से शुरू करते हैं सिंपल होगा बेचारा इसके पास क्या होगा स्टार्च इसके पास क्या होगा स्टार्च लिख लो स्टार्च होगा नॉर्मल सिंपल कुछ अलग नहीं है बट बच्चों फियो में क्या होगा कौन बताएगा मुझे नाउ इज द टाइम टू फ्लेक्स योर नॉलेज नाउ इज द टाइम टू फ्लेक्स योर नॉलेज ना निशा जिसके पास फाइको साइन इन होता है ना वो ब्लू हो जाते हैं ठीक है वो एलगे ब्लू हो जाते हैं एक्चुअली अच्छा तुम्हें बताती हूँ एक्चुअली क्या होता है ना कि जो रेड एलगे होते हैं उनमें दोनों ही पिगमेंट होते हैं फाइकोसाइन इन भी होता है फाइको इरिथ्रिन भी होता है बच्चों लेकिन जिसके पास फाइको इरिथ्रिन ज्यादा हो जाता है वो आपके रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं जिसके पास फाइकोसाइन इन ज्यादा हो जाता है वो आपके ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं राइट बच्चों चलो फटाफट 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 मैनिटॉल एंड मैनीटॉल एंड लैमिनेर लिख डालो लिख डालो मैं वेट नहीं करना हमें मैनी एंड एन एंड आज ना मतलब ऐसा हो जाए कि यहीं पे याद हो जाए मैनीटॉल एन बच्चो लैमिन लामीन राइट ठीक है लैमिनेरिया था उसमें ये मिला तो इसलिए लामीनैरिनट दीज टू आर टू आर वॉट मैनीटोल क्या है एल्कोहल वाला पॉलीसेक्राइड है क्या होगा लाल जो फंगस है सॉरी तुम्हारी उसमें कौन सा होता है बच्चों नाउ इज द टाइम जब आप रेड का बताओगे रेड का ये अनुराग रेड में भी जेंथोफिल मिलेगा जेंथोफिल सब में मिलता है बच्चों सब में मिलता है कामिया ज्यादा हो सकता है पर मिलेगा फ्लोरिडियन वेरी गुड वेरी गुड सना मानसी ओके निहारिका वेरी गुड बच्चों वेरी गुड आर्या सब ने एकदम सही जवाब दिया है नहीं आइकॉनिक और प्लस की फीस अलग होती है बच्चों क्योंकि आइकॉनिक में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं इसलिए फीस अलग होती है फ्लोरिडियन स्टार्च लिखो फ्लोरिडियन स्टार्च कैन समबडी टेल मी फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा है फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा है बच्चों किसके जैसा होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर आ, बताओ 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 किसके जैसा होता है तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है दिस दिस सिमिलर सिमिलर टू टू बता नहीं रहा कोई मुझे यार इट इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन ठीक है यहीं पे लिख लो यहीं पे लिख लो इधर ही लिख लो क्योंकि ना पता है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ जाए तो लिखो सिमिलर टू बच्चो सिमिलर टू सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेरी गुड वेरी गुड वाह क्या बात है क्या बात है अरे सब ये अरे वाह मैंने थोड़ा लेट देखा तुम सबने बड़ा सही आंसर बताया क्या बात है क्या बात है बच्चों वेरी गुड वेरी गुड ग्रेट यार ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब चलो अच्छा ये याद रखना मैं लास्ट में इस टेबल को रिवाइज कराने वाली क्वेश्चन पूछूंगी तुमसे क्वेश्चन पूछने वाली और फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए अब आ जाओ बच्चों सेल वॉल सेल वॉल के ऊपर आ जाओ सेल वॉल प्लांट के केस में सबके पास सेलुलोज और पेक्टिन होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन देखो मैंने यहां पे भी लिखा है यहां पे भी लिखा है और यहां पे भी लिखा है सबके पास होता है सेलुलोज पेक्टिन हेमी सेलुलोज विदाउट एनी एक्सेप्शन तो यहां तो सिंपल सा केस हो गया इस पर तो मतलब मैं क्या ही बोलूं सिंपल सा केस है बट इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी हमने पढ़ा था इसके पास क्या होता है एलजिन आ गया ना एल्जिन हाइड्रोकोलाइड एल्जिन आ गया आ गया एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया यहां पर पार्ट ऑफ ब्राउन मैं बात करूं रेड एलगी की सेल्यूल्टिंग होगा ही होगा कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है यहां पे ये यह भी लिख देती हूं कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है बच्चों राइट ये भी हो जाता है कभी कभी इसके सेल वॉल में राय right. लिखा 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 फ्यूकन्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वॉल बच्चों, ठीक है पॉली सल्फेट स्टर्स होगा ओके यस 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 कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बच्चों बिल्कुल सही ठीक है यस yes. करेक्ट 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 ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े कौन मुझसे पूछा कि मैम फ्यूकेंस क्या होता है फ्यूकेंस इज आल्सो मेड अप ऑफ बच्चों फ्यूकोज से बना होता है फ्यूकोज इज अग्जॉस्ट शुगर जिससे ये बना होता है ठीक है उसका पॉलीमर है उसका पॉलीमर है आपको और ज्यादा जाने की डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है राइट बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है दिस इज ऑल्सो पॉलीसेकोराइड दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिसेकराइड बच्चों स्पेशल टाइप ऑफ राइट right. right? आज तो आग लगा देंगे बिल्कुल बच्चों आज तो आग लगा देंगे आज तो मतलब मैं एल को ना ऐसे डिस्ट्रॉय करने आई हूं ना तुम्हारे लिए कि बस आज एल डन आज एल गे डन आज फिर इतने कैरेक्टर्स हो गए अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे अब देखो रिप्रोडक्शन कितना आसान है कितना आसान है रिप्रोडक्शन पहले मैंने लिख लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिर ए सेक्शुअल एंड न सेक्शुअल वेजिटेटिव बच्चों इतना आसान है ना कि मैं क्या ही बोलूँ सब में होगा फ्रेगमेंटेशन से लिख लो लिख लो फ्रैगमेंटेशन डन डन बच्चों यहां पे भी फ्रैगमेंटेशन ओके यहां पर भी फ्रैगमेंटेशन ये मैंने फ्रैग लिखा है फ्रॉग इसको फ्रॉग मत समझ लेना इसको फ्रॉग मत समझ लेना ओके <laughs> <Okay. laughs> इसको फ्रॉग मत समझ लेना ऑनलाइन right, बच्चों ठीक है चलो ठीक फ्रेगमेंटेशन 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 ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाओ ए सेक्शुअल कैसे होता था कल बताया था ए सेक्शुअल का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन सोर्स क्या था बच्चों सबसे कॉमन मेथड क्या था फटाफट 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 नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही लिखूंगी मैं नहीं लिख रही पूरा तुम क्या काम करोगे तुम्हारा काम ये इसको पूरा लिखना है तुम्हारा काम यह इसको लिखना बताओ 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 यस निशा यस 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 अच्छा साइड हो जाओ जूसपोर्स यस मैं एक बार लिख दूंगी ना फिर मैं साइड हो जाऊंगी देन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ठीक है तुम स्क्रीन शॉट ले लेना फिर चलो बच्चों ए सेक्शुअल जू स्पोर्स एंड फ्लैजुलेटेड वो फ्लैजलेटेड ही होते हैं चलो जूसपोर लिखेंगे ठीक है कैसे होते हैं ऐसे होते हैं जू स्पोर्स है अच्छा और बच्चों यहां पे क्या हो सकता है नंबर ऑफ फ्लैजला दो से आठ हो सकते हैं ठीक है नंबर ऑफ फ्लैजला दो से आठ हो सकते हैं वो मैं दूसरे आपको एक कुछ यूनिक वाले फीचर्स बताऊंगी उसमें लिखा दूंगी अब आ जाओ ब्राउन एलगी पे ब्राउन एलगी में भी जू से ही होगा बच्चों जू से ही होगा लेकिन दे हैव टू फ्लेजिला ऑलवेज बाई फ्लैजलेट ऑलवेज बाई फ्लैजलेट लेकिन और जो इनका शेप होता है वो भी बड़ा कमाल का होता है बच्चों पैर शेप्ड होता है पायरी फॉर्म होता है और दो फ्लैजला अटैच है वन इज स्मॉल अनदर वन इज लार्ज और लैटरली अटैच होते हैं समथिंग लाइक दिस ऐसे कुछ ये पैर शेप बना एक ऐसे और ऐसे तो कैसे है ये दोनों है बच्चों अन लिखो अन राइट व्हाट इज द शेप ऑफ व्हाट इज द शेप ऑफ लैटरली अटैच दिस इज इंपॉर्टेंट लैटरली अटैच ठीक है और शेप कैसा है पेर शेप्ड या फिर फिर पायरी फॉर्म पेर शेप्ड ठीक है पेर शेप्ड है या फिर जिसको हम बोलते हैं पायरी फॉर्म राइट बच्चों ये लो, पेर शेप्ड है या फिर जिसको हम बोलते हैं पायरी फॉर्म डन डनाडन डन डनाडन यस 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 ओके अब आ जाओ रेड एल्गी पे रेड एल का बच्चों चलो रेड एल्गी मैं बाद में बताऊं अभी बता देती हूं अभी बता देती हूं रेड एल को ना मैं लिखने वाली हूं किसी अलग ही कलर से क्योंकि बच्चों यहां बनते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स दिस इज इंपॉर्टेंट नॉन मोटाइल स्पोर्स और इस पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन question, और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगी वो मैं तुम्हें बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आएंगे ठीक है अंत में तुमसे क्वेश्चन पूछने वाली हूं अब आ जाओ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा आइसोगेमी होगी एन आइसोगेमी होगी या उमी होगी बताओ 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 क्लोरोफाइसी में बच्चों तीनों होगा आइसो एन आइसो गेमी तीनों होगा लिख लो यहां पे आइसो एन आइसो ऊ तीनों हो रहा है ठीक है तीनों हो रहा है यहां पे होगा तीनों फियोफाइसी में भी फियोफाइसी में भी तीनों होगा आइसो भी होगा ठीक है एन आइसो भी हो एन भी होगा होगा राइट बच्चों लेकिन यहां पे जो गैमिट है वो भी पायरी फॉर्म है वो भी बाईफ है वो भी अन इक्वल फ्लैजुला है दोनों लिखो 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 रुकना नहीं है रुकना नहीं है रुकना नहीं है छोड़ के नहीं जाना सेशन जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना बच्चों उनका नुकसान है ठीक है एंड जो रुके हुए हैं दे आर गोइंग टू क्रैक नीट दे आर गोइंग टू क्रैक नीट चलो बच्चों आ जाओ सो आइसोगेमी एंड आइसोगेमी है सब है लेकिन gametes कैसे हैं बच्चों पायरी फॉर्म राइट कैसे फॉर्म में भी कैसे बाई फ्लेजुलेट ये लो ये ही शेप है इसी शेप के हैं बच्चों पायरी फॉर्म ठीक है बाई फ्लेजुलेट बाई फ्लैजलेट एक छोटा है दूसरा बड़ा है साइड हो जाती हूं ठीक है साइड हो जाती हूं डन अब आ जाते हैं रेड एल पे रेड एलगे का एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एंड दैट इज रेड एलगे को मैं हमेशा ना दूसरे कलर में लिख रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ऊ गैमी होगा यहां पे सिर्फ क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है ओनली ऊ गैमी बच्चों ओनली ऊ गैमी एंड द गैमिट आर नॉन मोटाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैमीच नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना यहां पे ये लो मैं साइड हट जाती हूं मैं साइड हट जाती हूं एंड दिस इज योर टेबल दिस इज योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन वाला टेबल बच्चों डन ठीक है ठीक है ठीक है बताओ 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 बोलो अभी तक समझ में आ रहा है अभी तक सही चल रहा है आर वी गोइंग फाइन आर वी डूइंग फाइन आर वी डूइंग फाइन बच्चो ए, प्लानो स्पोर्ट भी यूज होते हैं बट यार उसको यहां मत लिखना ठीक है उसको यहाँ लिखना ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना जहां से मैं तुम्हें एश्योर करती हूँ कि तुम्हें एलगे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ठीक है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों ये दिस इज अज दिस इज अज फीनिक्स दिस इज अज है ना हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं येस येस यस ओके वेरी गुड वेरी गुड क्लियर ओ यस चलो अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम यूनिक कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स को मैं मतलब एक कॉमन नाम नहीं दे सकती लेकिन मुझे अलग अलग यू नो फॉ सॉरी एल्गा में मिलते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं लिखूंगी अबाउट क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी में बच्चों एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स डू यू नो अबाउट पायरेनॉइड्स डू यू नो अबाउट पायरेनॉइड्स एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अब पायरानोइड होते क्या है सुन लो सुन लो और ये ड्रॉ कर लेना ड्रॉ कर लेना बने हुए हैं विद पायरोनोइड इज अ बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ठीक है कहां मिलेगा मुझे क्लोरोफाइसी में मिलेगा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पायरेनॉइड होता क्या है पायरेनॉइड इज मेड अप ऑफ द तो कोर ऑफ प्रोटीन ये रहा कोर प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन के आजू बाजू में बच्चों क्या है आजू बाजू में प्रोटीन के क्या है इट इज सराउंडेड बाई स्टार्च ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसको बनाओगे तुम यहाँ पर दिस इज स्टार्च ये है बच्चों स्टार्च इसके आजू बाजू में क्या है स्टार्च मैं लिख देती हूँ मैं लिख देती हूँ दिस इज स्टार्च ओके तो बाहर इसके स्टार्च है एंड द कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ये याद रखोगे दिस इज इंपॉर्टेंट पूछा हुआ ये क्वेश्चन पी वाई क्यू है ओके okay, कहाँ मिलेगा तुम बोलोगे कहाँ मिलेगा तो तुम बोलोगे पायरेनॉइड मिलता है फाउंड इन इन क्लोरोप्लास्ट इट इज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन इन क्लोरो प्लास्ट ठीक है क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हें मिलेगा पायरेनॉइड तुम बोलोगे फंक्शन क्या है इसका तो तुम लिखोगे कि स्टोर करने में हेल्प करता है एंड सीओ टू फिक्सेशन में हेल्प करता है लिखो बच्चों स्टोरेज लिखो 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 फोटोसिंथेसिस जब हो जाएगा तो स्टोर करेगा स्टार्च को स्टोरेज में हेल्प करेगा एंड सीओ टू फिक्सेशन में मतलब फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा स्टार्च बनाने में भी हेल्प करेगा स्टार्च को स्टोर करने में भी हेल्प करेगा ये दोनों काम है इसके ठीक है बच्चों ये दोनों काम है इसके समझ में आया समझ में आया पायरेनॉइड के क्या काम है पायरेनॉइड के क्या काम है इज इज क्लियर टू एवरीबडी बोलो 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 अरे बोलो यस yes? यस yes, बच्चों co2 टू का फिक्सेशन करेगा मतलब फोटो में भी हेल्प कर रहा है स्टार्च uh, को बनाने में भी हेल्प कर रहा है और स्टोर करने में भी हेल्प कर रहा है ओके ना वन मोर थिंग विच इज वेरी कॉमन केस ऑफ ग्रीन एल्गे इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट ठीक है अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल कप शेप्ड होता है कप शेप्ड शेडिड लिख दिया शेप्ड गो हा कप शेप्ड किस में मिलेगा बच्चों क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा कप शेप्ड कहा मिलेगा इनकेस ऑफ क्लमाइडोमोनाज एंड वॉलवॉक्स लिखो 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 लिखोगे लिखो, लिखो, लिखो माइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स ठीक है Spiral किस में मिलेगा Spiral किस में मिलेगा रिबन शेप्ड में मिलेगा रिबन शेप्ड रिबन शेप्ड इन स्पाइरोगैरा बचपन से पढ़ रहे हैं बचपन से पढ़ रहे हैं स्पाइरोगैरा राइट right. अब मैं आपको सारे नहीं बता रही हूं गर्डल शेप्ड हो जाएगा यूलोथ्रिक्स में रेटिकुलेट होता है उडोगोनियम में स्टार शेप्ड होता है जिग्निमा में मैं सारे नहीं बता रही हूं लेकिन जो हमारे पास नाम दिए हैं हमारे चैप्टर में उन सबके मैं बता रही हूं बच्चों उन सबके मैं बता रही हूं ठीक है ओके उन सबके मैं लिख रही हूं सबके नहीं लिखूंगी क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं तो जितना इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वही लिख रही हूं अब आ जाओ फ्योफाइसी पे फ्योफाइसी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट अलग है मैम ठीक है फ्योफाइसी के बारे में देख लेते हैं बच्चो फ्योफाइसी में ना द प्लांट बॉडी इज डिडेड इंटू द प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इंटू यू कैन से देखो मैं यहां पे आपको डायग्राम दिखाती हूं वेयर इज द डायग्राम ये लो ये रहा फ्योफाइसी में मेरा जो प्लांट बॉडी है ना बच्चों दैट इज डिवाइडेड इंटू ये देखो नीचे मुझे दिखेगा होल्ड फास्ट ये रहा ठीक है, फिर मुझे एक स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर right? देखा एनाटमी देखा तो ये के जैसा बिल्कुल भी नहीं था तो ये क्या है होल्ड फास्ट ये क्या है स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर स्टाइप और ये जो लीफ के जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फॉन्ट सॉरी फ्रॉन्ट्स राइट कुछ जो अपने ब्राउन एलगे हैं उनके पास होते हैं एयर ब्लेडर्स दिख रहे हैं यहाँ पे अब मुझे कौन सा होनहार स्टूडेंट बताएगा कि यहाँ पे एयर ब्लेडर्स क्यों हैं ये एलगे के पास ही एयर ब्लेडर्स क्यों हैं बाकी के किसी के पास क्यों नहीं है बच्चों बाकी के किसी के पास क्यों नहीं है बताओ मुझे बोलो 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 बाकी के पास क्यों नहीं है मुझे एयर ब्लेडर का फंक्शन बताना पड़ेगा तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली आई एम नॉट गोना टेल यू द फंक्शन ऑफ दिस ఓకే వెరీ గుడ్ చేతన బా మ్యామ్ బోయన్స్టేన వేరీ వేరీ గుడ్చో जो ब्राउन एलगे होते हैं जो बहुत बड़े ब्राउन एलगे होते हैं इतने ज्यादा टॉल हो जाएंगे तो वाटर करंट तो उसको नीचे गिरा देगा जैसे पानी ऐसे चलेगा वो तो बेचारा नीचे गिर जाएगा उसने क्या करा उसने एयर ब्लैडर्स बना लिए ताकि वो ऐसे स्ट्रेट ही रहे बच्चों सो दैट इट कैन मेंटेन इट्स बॉयंसी ताकि वो स्ट्रेट रहे और उसको सन के रेस प्रॉपर्ली मिले और वो फोटो कर पाए भाई अगर नीचे गिर गया तो तो कोई फायदा नहीं है ना उसका उसको स्ट्रेट रहना पड़ेगा ना उसके लिए इट हैज एयर ब्लैडर्स टू मेंटेन बॉयंसी लिखो 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 वॉट इज फंक्शन ऑफ एयर ब्लाडर्स इट हेल्प इन मेंटेनिंग में एक बार बता दिया तो तुम ना काफी चीज़ हो तो लोग ना चीज हो तुम तो लोग बहुत बड़ी चीज हो तुम हाँ मेंटेन क्या करेगा इट अस गोइंग टू मेंटेन ओ आई एम सो सॉरी इट इज गोइंग टू मेंटेन मेनटेन ठीक है फ्लोट करने में उसको स्ट्रेट रैली में हेल्प करेगा भाई नहीं तो गिर जाएगा तो कोई फायदा नहीं है ठीक है गिर जाएगा कोई फायदा नहीं है फिर नीचे गिर जाएगा ना तो लाइट पहुंचेगी उसके पास ना कुछ होगा ठीक है ना हाँ ये हंस रहे हो हंस रहे हो अपनी हरकतों पर हैं अपनी हरकतों पर हंस रहे हो ये देखो अपनी हरकतों पे ऐसे हंस रहे हो ना ये जो तुम करते हो ना शैतानियां उन पर हंस रहे हो मिड रिप मिड मिड्रिप कैन बी एनी जरूरी नहीं है कि यहाँ मिड रिप रिख दिया तो ये तो लीफ में होता है ये यह यहाँ पे क्यों आ गया नहीं उससे टेंशन लेने की जरूरत है मिड मिड्रिप इज द पॉइंट जहाँ पे आपको ये बेसिकली uh, ये थिक पार्ट दिख रहा है ना वो तुम्हारा मिड मिड्रिप हो जाएगा राइट right? ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर था योर फीओ फाइसी राइट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे बनाई देती हूँ इस तरीके से था ना अपना ये अरे रेड कलर कहाँ से आ गया रेड कलर में तो इनको कुछ भी नहीं दिखेगा ये बिल्कुल बावले से हो जाएंगे रेड कलर में ये लो ऐसे 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 था है ना इट वॉज समथिंग लाइक दिस ऐसे ही था ना बच्चों यही था ना ठीक बनाया आई थिंक मैंने ठीक बनाया बहुत अच्छा डायग्राम बनाया शाबाशी मिलनी चाहिए मुझे इसके लिए दिस इज नोन एज होल्ड फास्ट होल्ड फास्ट लिख दिया होल्ड फास्ट होल्ड फास्ट ठीक है दिस इज़ योर स्टाइप एंड दीज आर द फ्रॉड दिस इज द फ्रॉड ओके सम हैव एय ब्लैडर अब आपको पता चल गया वो क्यों होते हैं रोड ऑफ आईसी में जो यूनिक कैरेक्टर है मैं आपको बता देती हूं दैट इज की यह मिलते हैं डीपेस्ट सी में डीपेस्ट डीपेस्ट सी में बच्चों कौन सा एलगे मिलेगा रेड एलगे रेड एलगे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ठीक है यह क्वेश्चन पूछा भी गया है ऑल राइट ऑल राइट ठीक है ठीक है ठीक है ओके बच्चों, राइट इज एवरीथिंग क्लियर टू यू इज एवरीथिंग क्लियर टू यू क्या मैम आई लव योर स्टाइल अरे थैंक यू थैंक यू पीयूष थैंक यू सो मच ठीक है ओके बच्चों तो डीपेस सी में कौन से आपको मिलेंगे फंगस uh, मैं बार बार फंगस की बोलती हूँ कौन से एलगे मिलेंगे रोडोफाइसी मिलेंगे आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू रिलेटेड टू एलगे बस एक चीज़ रह गई है कि मैम इनके नाम कैसे याद रखें तो बच्चों दिस इज़ माई ट्रिक दिस इज़ माई ट्रिक टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिज एलगे इन एलगे के नाम मैं कैसे याद रखूंगी तो क्लोरोफाइसी के लिए जो मेरा ट्रिक है वो है बच्चों एस गाड़ी होती है एक ठीक है गाड़ी का मॉडल मान लेते हैं कि थ्री सी इज़ द मॉडल ऑफ द गाड़ी एस यू वी थ्री सी इज़ द मॉडल ऑफ योर गाड़ी ठीक है तो इसके बेसिस में मैं इसके नाम रख दूंगी इसके नाम रख दूंगी क्या रखूंगी एस से है बच्चों बच्चो स्पाइरोगेरा yes, स्पाइरो ही होगा यू से है बच्चों यूलोथ्रिक्स यूलो थ्रिक्स से क्या क्या होगा? होगा? से से बताओ वी से क्या होगा वी फट से, से क्या होगा बच्चों? वी से क्या होगा, v से, क्या होगा? V से कौन सा ग्रीन एल्गा होता है ये तुम ना नलाइकियत पे आ रहे हो देखो तुम ना नलायत की बातें कर रहे हो ठीक है दे बता नहीं रहे हो मुझे बता हाँ वेरी गुड वेरी गुड वॉल्स वॉलवॉक्स ये बच्चो वॉलवॉक्स लिखो 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 रुकना नहीं है भाई वॉलवॉक्स लिखो ओके okay, सी से क्या होगा क्लमाइडो मोनास खारा क्लोरेला लिखो 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 क्लेमाइडो ओके कारा ओके एंड क्लोरेला क्लोरेला हो गया अब आ जाओ ब्राउन एलगे पे बाद में ले लेना ले स्क्रीन शॉट मैं आ, मतलब थोड़ा दूर हो जाऊंगी तो आप ले लेना ले फ्यू फाइसी पे आ जाओ फ्यू फाइसी का याद रखने का मेरा ट्रिक है साफ एलईडी मेरे घर पे जो एलईडी है ना मैंने एकदम साफ रखी हुई है ठीक है तो मेरी जो एलईडी है बच्चों एकदम साफ है अब साफ एल का क्या मतलब है एस ए का जो साफ का एस है दैट स्टैंड फॉर सार्गेजम सार्गेजम है ना सार्गेजम राइट ओके एफ स्टैंड फॉर बच्चो एफ स्टैंड फॉर Fucus, it stands for Fucus, right? L stands for Laminaria, Laminaria, right? Okay, okay, yes, 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 very good, very good, very good. Sargassum, Laminaria, सही जा रहे हो सही जा रहे हो ई का क्या मतलब है ई का क्या मतलब है कौन बताएगा मुझे कौन होन हार स्टूडेंट मुझे ई का मतलब बताएगा बोलो बच्चों, ई का मतलब क्या है What वट इज ई हियर क्या है यहां पर एक्टो कार्पस वेरी गुड लिखो 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 एक्टो कार्पस ना तो लिखो एक्टो कार्पस राइट बच्चों ठीक है एंड व्हाट इज डी डी इज डिक्टियोटा डी क्या है डी इज डिक्टियोटा डी इज डिक्टियोटा वी आर डन विद वी आर डन विद टू एल्गे के एग्जाम्पल अब आ जाओ तुम रोडो पे विच इज वेरी इजी पीपीजीजी पीजी जी पॉलिसिफोनिया पोरफाइरा ग्रासिलेरिया जलीडियम ये तो बहुत ही इजी है लिखोगे तुम पीपीजीजी पॉलीसिफोनिया है ना पॉलिसिफोर्निया पॉलिसिफोनिया पोरफायरा पॉरफायरा ग्रासिले एरिया ग्रासिले एरिया एंड जिलीडियम एंजली आर डन विदो बच्चों अब तुम स्क्रीन शॉट तो मैं दूर हो जाती हूँ नाउ यू can टेक द screenshot <coughs> पानी पूरी गोलगप्पे अरे ये भी अच्छा है ये भी बढ़िया है ये एकदम बढ़िया है पानी पूरी गोलगप्पे बढ़िया है बच्चों ठीक है ओके आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया हो क्योंकि मैं अब एकदम दूर हो गई थी आई थिंक ले लिया होगा मेरे ख्याल से ले लिया होगा बच्चों, है ना हाँ हाँ बस मैं जाने लगी हूँ मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट है ठीक है मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट है मैंने मुझे ही लेना है तुम्हारा टेस्ट ओके okay, बच्चों तो आज आ, हम लोगों ने एलगे ख़त्म करा ठीक है अब ना मेरे बस कुछ क्वेश्चन हैं फटाफट से उसके आंसर देते जाना ठीक है तो आपका ना यहीं पर रिविजन हो जाएगा बच्चों फटाफट से आप आंसर देंगे मुझे आर यू रेडी आर यू रेडी ओनली फॉर टू मिनट्स दो मिनट में तुम्हारा मैं जल्दी से फटाफट ओरल टेस्ट होता है ना वो लेने वाली हूं रेडी रेडी बच्चो रेडी रेडी बच्चो रेडी रेडी यस चलो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट द क्विज तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी आप फटाफट फटाफट फटा, से आ, जो चैट बॉक्स है उसमें लिखते जाएंगे एंड मैं देखती जाऊंगी कौन किसने जल्दी आंसर दिया चलो बच्चों पहला क्वेश्चन मेरा है कि स्टोर्ड फूड मेटीरियल इन रेड एलगे स्टोर्ड फूड मटीरियल इन रेड एलगे फटाफट बताओ जल्दी से बताओ स्टोर्ड फूड मटीरियल इन रेड एलगे बताओ 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 बोलो बोलो बच्चों रेड एलगे में स्टोर्ड फूड मटीरियल क्या है अभी तक किसी ने नहीं बताया मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया या मेरा चैट स्लो चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा फ्लोरिडियन स्टार्च वेरी गुड वेरी गुड चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज माई सेकंड क्वेश्चन इज की ओके नॉन मोटाइल स्टेजेस नॉन मोटाइल स्टेजेस आर प्रेजेंट इन विच एलगे नॉन मोटाइल स्टेजेस आर प्रेजेंट इन विच एलगे विदाउट एनी एक्सेप्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन बच्चों नॉन मोटाइल स्टेजेस नॉन मोटाइल स्टेजेस कौन से एलगे में होंगी कौन से एलगे में होंगी बच्चों कौन से एलगे में होंगी ना 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 चलो अब अब अगला क्वेश्चन आ गया नहीं 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 ये 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 नहीं जी फॉर गार्गे नहीं 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 ये नहीं ये ये नहीं 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 चलेगा बताओ 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 नॉन मोटाइल स्टेज कौन से एलगे में होती है रेड एलगे रेड एलगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बच्चो पायरेनॉइड्स के सेंटर में क्या होता है पाइरैनॉइड्स के सेंटर में क्या होता है स्टार्च होता है या प्रोटीन होता है पाइरैनॉइड्स के सेंटर में क्या होता है स्टार्च या प्रोटीन कम ऑन टेल मी व्हाट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पाइरैनॉइड स्टार्च और प्रोटीन फटाफट फटाफट क्या प्रेजेंट है यस 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 एकदम जल्दी जल्दी यार जल्दी 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 क्या प्रेजेंट होता है बच्चों प्रोटीन प्रेजेंट स्टार्च बाहर होता है स्टार्च वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा बच्चो नाउ यू हैव टू है एग्जाम आप अपने हाथ को थकने दो कोई बात नहीं थको इतना इतना पढ़ेंगे कि थक जाएंगे कोई बात नहीं बच्चों बताओ अगार अगार कौन से एल्गे से मिलता है अगार अगार कौन से एल्गे से मिलता है ग्रेसिलेरिया जेलेडियम वेरी गुड वेरी गुड ब्राउन नहीं है वो रेड है रेड एलगे है वेरी गुड वेरी गुड रेड एलगे है ओके okay, चलो लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन माय लास्ट क्वेश्चन इज की नॉन फ्लैजलेटेड अब ध्यान से सुनना नॉन फ्लैजलेटेड गैमिट्स आइसोगिट्स फ्लैजिलेटेड आइसोगेमिक्स बच्चों कौन से एल्गे में मिलते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगे कौन से एल्गे में मिलते हैं कौन से में मिलते हैं? अगर तुमने ये आंसर बता दिया ना मैं बहुत खुश हो जाऊंगी इसका आंसर तुमने अगर बता दिया पीयूष वेरी गुड सही आंसर पीयूष ने मुझे सबसे पहले दिया स्पाइरोगेरा वेरी गुड स्पाइरोगेरा में बच्चों आपको मिलते हैं नॉन फ्लैजुलेटेड एंड आइसोगेमिक्स मिलते हैं एक हमने कल करा था ये हमने कल करा था तुम्हारा कल का नॉलेज का टेस्ट भी ले लिया मैंने कल का नॉलेज का टेस्ट भी ले लिया आज मैं आपको एनसीआर का नहीं बता पाई आई एम सो सॉरी फॉर देट क्योंकि टाइम इतना नहीं मिला बट चलो एक बार डायग्राम देख लो दिस इज वॉलवॉक्स बच्चो एंड दिस इज क्लमाइडो मुनास ये है कारा कारा में ब्रांचिंग होता है तो डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाउ इफ आई टॉक अबाउट फी ओफ का तो हम पढ़ ही चुके हैं डायग्राम ठीक है एंड और क्या है आपकी येस yes, पॉर्फायरा दिया हुआ है एंड पॉलीसिफोनिया दिया हुआ है आपके बुक्स में तो ये सब हमें मेमोराइज करना है वी हैव टू मेमोराइज दिस ओके बच्चों? यस yes. अब फटाफट से आपको बता देती हूँ कि अन अकेडमी का प्रोडजी का टेस्ट होने वाला है जिसमें आप फ्री में एनरोल करा सकते हैं मेरा कोड यूज करके बच्चों, यू कैन विन ट्वेंटी लैख ,00 का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट दिस इज द स्केड्यूल आप अनडमी पर डाउट भी पूछ सकते हैं आप कभी भी कहीं भी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है बच्चों कॉम्बेट में भी आप एनरोल करा लेना इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो एंड अभी सेवन थर्टी पे मेरा पी का जो सीरीज है उसका टेस्ट होने वाला है दिस इज द स्केड्यूल जो बच्चे लास्ट में आए हैं ना एंड में दिस इज द स्केड्यूल बच्चों ये आपका स्केड्यूल है ऑफ द पी वाई क्यू सीरीज दिख रहा है ये इस हफ्ते का है ठीक है हम ऑलरेडी पांच चैप्टर कर चुके हैं हम ऑलरेडी पांच चैप्टर कर चुके हैं बच्चों और इस सीरीज़ को दिस इज अ फ्री सीरीज ये फ्री सीरीज़ है ज्वाइन कैसे करोगे आपको चैट बॉक्स में मेरा एक लिंक पिन करा हुआ है बस उसको क्लिक करना है बस उसको क्लिक करना है बच्चों ठीक है एंड यू विल बी डन सिर्फ उसको क्लिक करोगे और आप आ, इस सीरीज में एनरोल करा सकते हो फॉर फ्री बिल्कुल फ्री है बच्चों बिल्कुल फ्री है ठीक है चलो तो मिलते हैं सेवन थर्टी और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लो लेना हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सेवन थर्टी मिलते हैं चलो सेवन थर्टी मिलते हैं ठीक है ओके बच्चों चलो यू हैव सम टाइम पंद्रह बीस मिनट है तुम्हारे पास थोड़ा सा रिविजन लो और आ जाओ ठीक है बच्चों चलो बाय बाय टेक केयर